बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो कि जून को मिलने जा रही है, यानी मई की तनख्वाह जो जून में मिलने जा रही है, उन तनख्वाहों में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसमें ख़ास तौर पर जीपी फंड के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। मई की तनख्वाहें नए रेट के हिसाब से होंगी और इसके बारे में चेंज अलर्ट भी सरकारी मुलाजमीन को मिलना वसूल हो गए हैं। और उसके साथ साथ प्रोफेशनल जो टैक्स है वो भी इसमें बढ़ा दिया गया है, जो इससे पहले सरकारी मुलाजमीन को नहीं लगाया गया था। तो इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ चलें तो जिसमें लिखा गया हुआ है सब्सक्रिप्शन ऑफ द जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसमें बताया गया कि जीपी फंड की जो कटौती है वो बढ़ा दी गई है स्केल वाइज। आप इसका चार्ट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें स्केल नंबर एक की बात करें तो इसमें मिनिमम तनख्वाह और मैक्सिमम तनख्वाह जो बताई गई है उसके साथ आगे जो उसके 600 और पूरा 600 रुपया जो है उसकी कटौती की गई है जीपी फंड की। इसी तरह स्केल नंबर पाँच की बात करें तो उसमें 1330 रुपये, 6 की बात करें तो 1420, 7 की बात करें तो 1590 रुपये, 5 8 की बात करें तो 1500, इस तरह 9 की बात करें तो 1700। इस तरीके से स्केल नंबर 14 की बात करें तो 3900 रुपया, 15 की बात करें तो 4960 रुपया, 16 की बात करें तो 15 की बात करें तो 4290 और 16 की बात करें तो 4960, 17 की बात करें तो 6350। इस तरीके से पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं, जिसमें बीपीएस नंबर 1 की बात करें तो 3% कटौती है, 2 से 11 में बात करें तो 5% है और 12 से 22 की बात करें तो 8% जो है वो इसके रेट जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो इस हवाले से आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अभी जून की तनख्वाह जो आपको मिलने वाली है तो इसमें ये सारी की सारी कटौती होगी, उसके बाद आपको तनख्वाहें मिलेंगी तो ज़रूर कम होगी तनख्वाहें। लेकिन इस हवाले से बड़ी खबरें और भी हैं तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।